नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैकेनिक सब्जेक्ट का जो ट्वेल्थ यूनिट है उसके अंदर एनर्जी और स्पेशली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी, इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो क्या है, देखिए। इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और हम ये भी कह सकते हैं बाई कंजप्शन ऑफ एनर्जी वर्क इज परफॉर्म, यानी एनर्जी को खर्च करके, बाई कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को खर्च करके वर्क किया जाता है या कोई भी एक्टिविटी की जाती है, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नाउ एनर्जी के क्या क्या टाइप्स अवेलेबल हैं या किस फॉर्मेट में एनर्जी यूनिवर्स में, अर्थ पे अवेलेबल है, तो कुछ टाइप्स है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एट्सेट्रा, मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी के कई तरीके के फॉर्मेट है या प्रकार है जिनसे कई सारे एक्टिविटीज़ या कार्य या वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखिए, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट क्या, एनर्जी को नापने का या मेज़र करने का यूनिट क्या होगा। तो जैसा कि हम डेफिनेशन में स्पेसिफाई कर चुके हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर एनर्जी खर्च करके काम किया जाता है, यानी वर्क और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल है, इसीलिए एनर्जी की जो यूनिट होगी वो इट विल बी सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की जो यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी और वर्क आपस में इंटरचेंजेबल है। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर, एमके सिस्टम के अंदर न्यूटन मीटर या फिर जूल, न्यूटन मीटर या फिर जूल भी कहेंगे। अब हम क्योंकि हम मैकेनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमारा जो जिस एनर्जी फॉर्मेट के साथ सबसे ज़्यादा जो काम पड़ेगा वो है मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ ड्यू टू द मोशन और पोजिशन ऑफ ए बॉडी। मैकेनिकल एनर्जी किसी कॉम्पोनेंट में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में जब अवेलेबल होती है तो उसका रिलेशन उस बॉडी की मोशन या फिर किसी फील्ड, ग्रेविटी या फिर किसी फोर्स फील्ड के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से वो एनर्जी आती है। अगर कंपोनेंट या बॉडी मूवमेंट में कर रहा है या फिर मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, और अगर वो किसी फोर्स फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पर दो टाइप से हम मैकेनिकल एनर्जी को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नंबर वन काइनेटिक एनर्जी, नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कोई बॉडी है जिसका कोई पर्टिकुलर मूवमेंट है तो उस मूवमेंट के वजह से, बिकॉज ऑफ मूवमेंट, द एनर्जी एसोसिएटेड इन दिस बॉडी विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वेलोसिटी स्क्वायर। ये मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है और किसी स्पीड या वेलोसिटी वी के साथ ये मूवमेंट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन दी जाती है यही कि दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द पोजिशन ऑफ ए बॉडी अगेंस्ट एनी फोर्स फील्ड। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है फोर्स फील्ड, यानी वो जो पोजीशन होगी किसी न किसी फील्ड लाइक ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस तरीके के फील्ड में वो कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या पोजीशन होल्ड करता है, उस पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी आएगी उसे कहेंगे
पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ग्रेविटी फील्ड लेते हैं, मान लीजिए अर्थ या ग्राउंड सरफेस है, इससे इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो भी कंपोनेंट होते हैं उनमें डाउनवर्ड फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। तो इस फोर्स फील्ड जो अवेलेबल है उसके अगेंस्ट किसी बॉडी को मूवमेंट करके हम किसी हाइट एच तक अगर ले जाते हैं, तो ये जो मास एम का कंपोनेंट है या ऑब्जेक्ट है, इसको इस ग्राउंड से एच हाइट की पोजीशन तक अगर ले जाया जाता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर या इस हाइट पर इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, एनर्जी एसोसिएटेड होगी, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इस ग्रेविटी फील्ड के अगेंस्ट एच हाइट पर ये ऑब्जेक्ट अगर मेंटेन है या अवेलेबल है, तो इसके अंदर जो अवेलेबल एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला होगा ग्रेविटी पोटेंशियल फील्ड के लिए, हम एम जी एच यूज़ करेंगे। अब अलग अलग पोटेंशियल फील्ड में इस फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं, जैसे स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एक एग्जांपल के तौर पे या एक एग्जांपल के साथ हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन यह है कि ए प्लास्टिक बुलेट इज फिक्स्ड बाय ए टॉय गन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। This bullet strike to a spring of a spring constant 1000 newton per meter. Calculate the deflection of spring if mass of bullet is 25 gram. तो इसे वापस समझते हैं। ये एक अरेंजमेंट दे रखा है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है और एक बुलेट जो किसी एक प्लास्टिक बुलेट है जो किसी गन से थ्रो होती है और वो इस स्प्रिंग की तरफ स्प्रिंग की तरफ अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करती है। जब ये वेलोसिटी यहाँ स्ट्राइक करेगी, तो इस वेलोसिटी के अंदर, मतलब इस बुलेट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इस डायरेक्शन में जब कंप्रेस होगा आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑफ बुलेट, तो इसका मतलब बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है हमारे पास, एक तो वेलोसिटी दे रखा है, बुलेट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये बुलेट आ रही है। दूसरा डेटा दे रखा है स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट दे रखा है, यानी स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन के साथ लोड का जो वेरिएशन है वो 1000 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू है। यहाँ जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना कंप्रेस होगा, ये हमें पता करना है। और बुलेट का जो मास दे रखा है 25 ग्राम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट इसके लिए हम यूज़ में लेंगे, वो देखते हैं। After striking, the kinetic energy of bullet will be transferred to the spring. यानी टक्कर के बाद, स्ट्राइकिंग के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड इट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग will be transferred to the spring. Spring में चली जाएगी ये एनर्जी और स्प्रिंग में किस फॉर्मेट में स्टोर रहेगी, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। जब ये कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग में एक एनर्जी डेवलप होगी जिसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की है वो यहाँ ट्रांसफ़र होगी और इसमें स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकली इक्वेशन जो लिखेंगे वो ये होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी बुलेट की कितनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर जो एम है 25 ग्राम है,
तो हम इसको केजी एमके सिस्टम में रखना, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे जिससे ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाफ 25 डिवाइड बाई 1000, और वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर। अब पोटेंशियल, अब जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल होगा हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5 न्यूटन मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर विल बी 5 × 2 डिवाइड बाई जो के की वैल्यू है 1000 हम यहाँ रखेंगे, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.01 एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.01 आएगी। फर्दर जो है एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 0.01, इसको अंडर रूट करेंगे तो 0.1 मीटर, और 0.1 मीटर का मतलब होता है 100 mm, यानी जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा स्प्रिंग के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू 100 mm। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में जो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के दोनों फॉर्मेट का हमने इस्तेमाल किया है, पहला फॉर्मेट काइनेटिक एनर्जी और दूसरा फॉर्मेट पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये भी देखा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंजेबल है, तो इंटरचेंजेबल है यानी, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।